इंसान आपस में बात करते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पर क्या आपको पता है कि पेड़ पौधे भी आपस में बात करते हैं और पानी एक जीवित चीज है। क्या आपको इसका अंदाजा है? ये सब बातें स्कूल में नहीं बताई जाती, इसलिए रेडी हो जाओ थ्रिल के लिए। हर पेड़ ये बात आपसे कहना चाहता है, काश तुम ये बात समझ पाते कि हम आपस में कैसे बात करते हैं। बचपन में हमने सब पढ़ा है कि इस दुनिया में दो तरह की चीजें होती है, लिविंग बींग्स और नॉन लिविंग बींग्स, यानी सजीव और निर्जीव। और आपका ये मोबाइल, ये तो निर्जीव है, पर जैसा कि आप जानते होंगे पेड़ सजीव है। सजीव है ये फैक्ट तो ठीक है, पर ये आपस में बात करते हैं, ये फैक्ट कुछ हजम नहीं हो रहा है ना। पेड़ पौधे आपस में बात करते हैं, ठीक है, पर इसके ऊपर सवाल ये है कि क्या कोई जीवित प्राणी की तरह क्या पेड़ पौधे के अंदर भी फीलिंग्स होती है? क्या इनके अंदर भावना होती है? क्या उन्हें भी चोट लगती है? एक बहुत ही बड़े फॉरेस्ट एक्सपेरिमेंट यानी जंगल के साइंटिफिक रिसर्च में साइंटिस्ट्स को ये पता चला कि पेड़ पौधे के अंदर भी एक बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से सोशल यानी सामाजिक स्किल्स होते हैं। वो आपस में डिस्कशन करते रहते हैं और वो भी हमेशा। जंगल के ऊपर से जब आप गुजरते हो तब पैर के ठीक नीचे लाखों पेड़ों के जड़ों के बीच में बातचीत चल रही होती है और आपको इस फैक्ट का कोई अंदाजा भी नहीं होता। आपको इस बातचीत का एक शब्द भी नहीं सुनाई देता होगा क्योंकि पेड़ आपस में लैंग्वेज यानी भाषा से बात नहीं करते, बल्कि ये एक चीज के थ्रू बात करते हैं, इसे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कहते हैं। पेड़ के जो रूट्स यानी जड़ होते हैं उसके थ्रू, उसके जरिए ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स यानी ये सिग्नल ट्रांसफर होती है। जिस तरह इंटरनेट पे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाती है, उसी तरह पेड़ पौधे के बीच में भी एक कनेक्शन होती है। हर पेड़ के नीचे जमीन के अंदर उसकी जड़ एक बहुत ही चौड़े तरीके से फैली होती है। हर पेड़ का जड़ कम से कम जमीन के अंदर उतना तो फैला होता ही है जितनी उस पेड़ की हाइट होती है। जैसे जैसे जड़ बड़ा होता है, एक पेड़ की जड़ बगल की पेड़ की जड़ से कनेक्ट हो जाती है। ऊपर ऊपर से देखने पर तो लगता है कि ये पेड़ अलग अलग है, पर ये चुपके चुपके अंदर ही अंदर ये हमेशा कनेक्टेड होती है उनके रूट्स यानी जड़ों के जरिए, जैसा कि मैंने आपको बताया। और शायद ये सुन के आपके कानों से टमाटर निकलने लगे, पर एक पेड़ सिर्फ दूसरे पेड़ से ही नहीं, बल्कि एक नॉर्मल सा पेड़ 200 मीटर दूर मौजूद उस दूसरे पेड़ से भी बातचीत कर सकता है और अपनी मैसेज को पहुंचा सकता है। और ये पेड़ कैसे करते हैं? ये इस चीज को उसी तरह करते हैं जिस तरह क्लास में क्लासरूम चलते समय कॉपी फर्स्ट बेंच से लास्ट बेंच में ट्रांसफर की जाती है। मतलब अगर ये पेड़ उस दूर के पेड़ को उसके जड़ों के जरिए कुछ मैसेज भेजना चाहता है, तब ये पेड़ दूसरे बगल वाले पड़ोसी पेड़ को भेजेगा और दूसरा पेड़ तीसरा को, और ऐसे करते करते वो मैसेज वहाँ पहुँच जाता है। और चाहे पेड़ कितना भी दूर हो, ये मैसेज पहुँच ही जाता है। अगर इस लॉजिक से देखें तो फैक्ट ये निकल कर आता है कि हर एक पेड़ दूसरे पेड़ से कनेक्टेड है और पूरा जंगल आपस में कनेक्टेड है, पूरा जंगल आपस में जुड़ा हुआ है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इंटरनेट के ऊपर हर एक कंप्यूटर एक दूसरे कंप्यूटर से आपस में कनेक्टेड होता है, पूरा जंगल एक लिविंग बींग की तरह काम करता है। आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि पेड़ पौधे आखिर आपस में क्या बातचीत करते होंगे? तो वैज्ञानिकों को जितना पता चला उसके हिसाब से ये जो भी आपस में कम्युनिकेट करते हैं उनमें से ज्यादातर बातें सर्वाइवल यानी जिंदा रहने से रिलेटेड होती है। ये एक्चुअली में खाने को शेयर करने के लिए आपस में बात करते हैं। जैसे दोस्त मुझे वाटर भेजो, भाई छोटे तू थोड़ा सा कार्बन भेजना मेरी जड़ों में। जब एक पेड़ के पास जरूरी चीजें कम हो जाती है, जैसे वाटर, कार्बन और बाकी जरूरी केमिकल्स, तब वो दूसरे पेड़ को मैसेज करने लगता है। और ज्यादातर केसेस में उस जरूरतमंद पेड़ के सबसे करीब जो पेड़ होता है वो उस पेड़ को जरूरी चीजें प्रदान करता है। पानी और जरूरी केमिकल्स जमीन के अंदर ही अंदर रूट्स यानी पेड़ों के जड़ों के थ्रू एक पेड़ से दूसरे पेड़ में जाती है। मतलब पेड़ के रूट्स यानी जड़ सिर्फ मैसेज ट्रांसफर करने के लिए नहीं होते, पर जो फिजिकल एलिमेंट्स हैं जैसे पानी और रसायन, वो भी इन्हीं जड़ों के थ्रू होता है। जंगल के सारे पेड़ एक दूसरे की हेल्प करते हैं। पेड़ों की इस आश्चर्यजनक दुनिया में हम अनजान हैं और आप में से बहुत कम लोगों को ये शॉकिंग फैक्ट्स पता होगी। क्या आपको ये फैक्ट पता है कि अगर जंगल में एक ऐसा पेड़ है जिसको सनलाइट यानी सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, जो कि पेड़ के लिए बहुत जरूरी होता है, तब बाकी सारे
सारे पेड़ पौधे अपने डालियों को हटा देते हैं और अपने ब्रांचेस को ऐसे एडजस्ट करते हैं ताकि वो रोशनी उस पेड़ को पहुंच जाए जिसको सनलाइट नहीं पहुंच रही। इन फैक्ट से ये पता चलता है कि पेड़ पौधों का आपस में कितना प्यार होता है। क्या आपको एक और फैक्ट पता है कि पेड़ पौधे दिनों को गिन सकते हैं? जी हाँ, कब फूल उगाना है, कब पत्ते झड़ेंगे, इन सब के बारे में पेड़ पौधों को एक्चुअली पता होता है। कितनी बार सूरज निकल रहा है, कितनी देर तक निकल रहा है, कितना दिन बीत रहा है, ये सब पेड़ की जरूरी जानकारी सब पेड़ पौधे जानते हैं। एक पेड़ को जिसको सूरज निकलने और डूबने ये सब के बारे में जानकारी मिली, वो उस जानकारी को दूसरे पेड़ों के साथ भी शेयर करते हैं। और कैसे? अगेन वही, अपने जड़ों के जरिए। जिस तरह इंसान में माँ बाप बच्चों की जरूरतों को पूरा करते हैं, उसी तरह जब कोई बेबी पेड़ उगता है तब आसपास के जितने पेड़ हैं वो सब ज्यादा न्यूट्रिएंट्स उसके तरफ पास करना शुरू कर देते हैं ताकि वो और अच्छे से बड़ा हो पाए। भले ही पेड़ पौधों का फेस, नाक और कान नहीं होता, पर ये जो आपस में एक दूसरे के लिए करते हैं, इट्स जस्ट अमेजिंग। इन पेड़ों के प्यार से हमें कुछ सीखना चाहिए ताकि इंसानियत दुनिया में और बढ़े। बट लेट्स सी द डार्क साइड। एक बहुत ही शॉकिंग फैक्ट उस रिसर्च में पता चला, और वो था कि जिस तरह हर एक इंसान का एक पर्सनालिटी होता है, बिल्कुल उसी तरह पेड़ पौधों का भी होता है। जिस तरह इंसान में अच्छे और बुरे इंसान होते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी अच्छे और बुरे आने वाले हैं, उसी तरह पेड़ पौधों में भी अच्छे और बुरे तरह के पेड़ पौधे होते हैं। कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जो कि दूसरे पेड़ों की मदद करते हैं और बाकी सभी ऑर्गेनिजम्स का हेल्प करते हैं एकदम मरते दम तक, और दूसरे तरफ ऐसे भी पेड़ पौधे होते हैं जो कि न्यूट्रिएंट्स को चुराते हैं। किसी ने पानी डाला तो वो पूरी की पूरी पानी की क्वांटिटी अपने तरफ खींच लेते हैं और दूसरे पेड़ों के साथ जरा सा भी न्यूट्रिएंट्स को शेयर नहीं करते, सिर्फ उनकी खुद की सर्वाइवल उनके लिए जरूरी होती है। पर ऐसे पेड़ बहुत कम ही होते हैं। बुरे पेड़ों से ज्यादा अच्छे पेड़ एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए इतने सारे जंगल और इतने तरह तरह के पेड़ धरती पर टिके हुए हैं। पेड़ पौधे जब एक फैमिली ग्रुप में बहुत दूरी तक फैले होते हैं तब वो और भी स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। जैसे ये जंगल देखो, ये एक फैमिली है, यहाँ पर आपको सभी पेड़ एक जैसे देखने मिलेंगे। तो ऐसे जंगल जो होते हैं उनके अंदर काइंड ऑफ ये फीलिंग होती है कि आसपास के बाकी पेड़ जो उनके जैसे नहीं दिखते हैं, उन्हें हमें हमारे बीच में नहीं लाना, इसलिए वो उन पेड़ों को उगने से रोक देते हैं, उनके जड़ों की जगह अपने जड़ को ला देते हैं और दूर तक अपना एम्पायर खड़ा करने लगते हैं। अभी तक तो रियल फैक्ट्स को जाना आपने, पर अगर थ्योरीज की बात करें तो कुछ वैज्ञानिकों की थ्योरीज ये भी कहती है कि पेड़ पौधों के पास निर्णय लेने की भी शक्ति होती है और यहाँ तक कि स्मरण शक्ति भी होती है, मतलब वो काइंड ऑफ इंटेलिजेंट होते हैं। ये बात एक थ्योरी है, पर अगर गहरा अध्ययन किया जाए तब हमें पता चलता है कि ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं पर थोड़ा सा इंटेलिजेंट तो ये जरूर होते हैं, क्योंकि खाना शेयर करना, अपना एम्पायर खड़ा करना, ये सब देखकर तो यही लगता है कि इनके अंदर कुछ तो दिमागी शक्ति है। पेड़ों के बारे में तो आपने जान लिया, पर क्या आपको पता है कि पूरा का पूरा समुद्र एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक जीवित प्राणी है। अगेन, अब इस बात को लिटरली मत ले लेना और ये मत पूछना किसका मुंह कहाँ है, इसका आँख कहाँ है। समुद्र जिंदा इसलिए है क्योंकि असल में वाटर यानी पानी जीवित है। डॉक्टर मसारू इमोटो के एक्सपेरिमेंट के बारे में क्या आपको पता है? याद है आपको, मैंने थर्ड आई वाली वीडियो में आपको इसके बारे में बताया था। एक ग्लास में रखी पानी को अगर आप आई लव यू बोलो और उसके क्रिस्टलाइज फॉर्म को अगर माइक्रोस्कोप से देखो तब वो कुछ ऐसा फॉर्म बनाता है, और अगर आप पानी के बारे में कुछ खराब बोलते हो तब वो कुछ ऐसा फॉर्म बनाता है। पानी अपनी सिमेट्री को हमेशा बदलता रहता है और हर बार ऐसा ही होता है। तो ये हमें क्या बताता है? ये हमें ये बताता है कि पानी के अंदर शायद अवेयरनेस हो सकता है। वाटर के सामने अगर आप कुछ बोलते हो या जब कुछ सोचते हो तब तो वो रिएक्ट करता ही है, पर आसपास कौन सा म्यूजिक बज रहा है और आसपास की सिचुएशन कैसी है उस पे भी ये रिएक्ट करता है। ये भी एक फैक्ट है कि धरती पर जीवन की शुरुआत पानी के चलते और पानी में ही हुई। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग पानी के वंशज हैं, पानी जीवित है। ये फैक्ट ज्यादा लोगों को हजम नहीं होगी क्योंकि इसके लिए आपको अपने दिमाग को खोलना होगा, मानना होगा कि हाँ ऐसा भी कुछ हो सकता है। एक्सपैंड योर माइंड, तभी आप साइंस के बियॉन्ड जा पाओगे, क्योंकि ऐसी कई चीजें हैं जिसे विज्ञान बहुत वर्षों बाद डिस्कवर करेगा। इंसानी दिमाग के बारे में तो आपको पता ही होगा कि हमारे दिमाग में अरबों न्यूरॉन्स होते हैं और उनके बीच में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, यानी बिजली के जरिए ये काम करता है। तो जिस तरह का नेटवर्क आपके दिमाग में होता है, बिल्कुल उसी तरह का नेटवर्क समुद्र के अंदर भी होता है। साइंटिस्ट्स को ये पता चला कि समुद्र के अंदर बैक्टीरियल नैनो वायर्स नाम की कई
बेसिक एलिमेंट्स होती हैं और इसकी नेटवर्क समुद्र के अंदर बिल्कुल वैसी ही फैली हुई होती है जैसे कि हमारे दिमाग में होती है। तो इससे एक बात की हिंट मिलती है कि समुद्र में भी किसी टाइप की इंटेलिजेंस शायद बसती है, पानी जिंदा है। इस फैक्ट में अगर और अंदर जाए तो ऐसी भी थ्योरीज निकल कर आती है कि पानी के अंदर मेमोरी भी होती है, यानी वो चीजों को याद भी रख सकता है। इसे वाटर मेमोरी भी कहते हैं और विकिपीडिया में आप इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ सकते हो। हर वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर वाइब्रेशंस होती है। आपको क्या पता है कि खाने के पहले हमें मन को शांत करके प्रार्थना क्यों करनी चाहिए? जो पानी और खाना जो आप फाइनली कंज्यूम करते हो वो कहाँ से आता है ये देखो। पहले उसे किसान उगाता है। किसानों की हालत अच्छी नहीं होती। अगर हम ऑनेस्टली आजकल के किसानों को देखें तो उनकी खराब और नेगेटिव वाइब्रेशंस उस खाने में जाती है और पानी भी कई जगह सप्लाई होकर आपके घर में पहुंचती है और अच्छी और खराब वाइब्रेशंस अपने अंदर लाती है, अपने अंदर कैरी करती है। तब डायरेक्ट खाने और पीने के बदले जब आप मन को शांत करके प्रार्थना करते हो तब दोनों की वाइब्रेशंस ज्यादा होने लगती है और एक तरह की पॉजिटिव एनर्जी उसमें जाने लगती है। पानी को आई लव यू बोलो और उसका फॉर्म बदल जाता है। समुद्र में न्यूरल नेटवर्क्स का पाया जाना, पेड़ पौधों के बीच में इंटरनेट की वर्ल्ड वाइड वेब की तरह एक वुड वाइड वेब का होना, ये सब हमें ये बताता है कि साइंस अभी भी बहुत पीछे है और ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसके बारे में विज्ञान अभी तक नहीं समझ पाया। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करना, लाइक और शेयर करना, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।